महाराज अति उत्तम। आज अचानक आसमान बदल गया है, पलक झपकते ही देखो कैसे बादल घेरा है। लगता है कुलगुरु हमारे संयम की परीक्षा ले रहे हैं। दादी माँ और नानी माँ होने वाले हैं आप दोनों, परीक्षा तो होगी ही। नहीं। क्या हुआ कुलगुरु? कोई ऐसा मुहूर्त नहीं है, कोई ऐसा योग नहीं है जो उचित हो। पर दिन तो तय करना ही होगा। विवाह टल सकता है किंतु बोध भराई की तिथि तो नहीं टल सकती। पूर्णिमा का दिन कैसा रहेगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि यह मुहूर्त उचित है, किंतु आपके आग्रह के कारण केवल इतना कह सकता हूं कि पूर्णिमा का दिन अच्छा माना जाता है। होता है रा, पूर्णिमा के दिन यशोधरा की गोद भराई हो। बधाई हो महाराज। बधाई हो दादी माँ। बधाई हो दादी माँ। बधाई हो। बधाई हो मंगला दीदी। छोटे राजा, मैं आपका कुछ समय चाहूंगा, क्या मेरे साथ आ सकते? अवश्य कुलगुरु। वस्त्र आभूषण ये सब दोनों को बताना भी तो है। हाँ। चलो ये शुभ समाचार सिद्धार्थ और यशोधरा को देते हैं। अरे कुलगुरु अपनी दक्षिणा तो यहीं भूल गए। मैं दे आती। क्या बात है कुलगुरु, आज आपकी आंखें व्याकुल हैं? हाँ छोटे राज, और जीवा भी साथ नहीं दे रही। ऐसी क्या बात? ऐसी बात है जो मैं महाराज से नहीं कह सकता छोटे राज। पर आप निसंदेह मुझसे कह सकते हैं। इसलिए तो सहदेव जैसी पीड़ा बताने मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। कभी कभी ज्ञान भी दुख का कारण बन जाता है छोटे राजा। अब आप मुझे चिंतित कर रहे हैं गुरुवर। मैंने असित मुनि की भविष्यवाणी के विपरीत महाराज को केवल इतना सुझाव दिया था कि युवराज सिद्धार्थ की दृष्टि में कभी दुख ना आए, क्योंकि दुख मनुष्य को संसार में विमुख बना देता। इसका परिणाम यह था कि महाराज ने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को नगरी से बाहर निकाल दिया था। आज ऐसी विपदा की घड़ी है। कैसी विपदा गुरुवर? मैं ये गोद भराई का प्रसंग रोकना होगा छोटे राजे। पर क्यों? ग्रहों का संकेत, एक तरफ शनि, तूजी और मंगल, पीछे केतु और सामने राहु। राहु की पूर्ण दृष्टि पिता के स्थान पर पड़ रही है छोटे राजा। इसका अर्थ यह है कि इस काल में राज सिद्धार्थ को पिता का सुख नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर्य? शोक पश्चात राज परिवार में संतान होगी और ये मैं नहीं ये राहु संकेत दे रहा है छोटे राजा। अर्थात इस काल में युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु भी हो सकती है। आप माँ देवी, ये जोड़ा है ना, ये स्नान के बाद देखो रंग सुंदर है ना। हाँ, और ये आभूषण, ये आभूषण मंदिर जाते समय देखो, और जब वो विधि में होगी ना
तो फूलों का श्रृंगार होगा। ये हीरो का मांग टीका और ये वस्त्र, ये संध्या के समय संगीत में कपिलवस्तु की प्रजा अपनी राजकुमारी बहू को देखती रह जाएगी। प्रजा तुझे नहीं देखेगी। कोई संगीत नहीं होगा, क्यों प्रजापति? क्योंकि हम कोई गोद भराई नहीं करेंगे। पर क्यों? कुलगुरु के मत से गृह अनुमति नहीं देते अमिता दीदी। पर कुलगुरु ने तो कहा था कि पूर्णिमा का मुहूर्त ठीक है। उन्होंने केवल ऐसा हमारा मन रखने के लिए कहा था। परिस्थिति विपरीत है, मां और संतान के लिए ये योग भारी है। सिद्धार्थ के बारे में कुछ न कहना हमें। क्या हम ग्रहों को अनदेखा नहीं कर सकते महादेव? महाराज, आप में उतनी क्षमता है कि आप असित मुनि की भविष्यवाणी से लड़ सके, मुझ में नहीं। भाई महाराज, आप हमेशा कुलगुरु के बताए मार्ग पर चले हो और कुलगुरु आज स्वयं कह रहे हैं कि ग्रहों की चाल ठीक नहीं। कदाचित हमें भी संभल कर चलना चाहिए, अन्यथा। अन्यथा क्या अनुज? आने वाले संतान के साथ कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी। तो हमें गोद भराई नहीं करनी चाहिए भैया। अमिता दीदी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें अपने आने वाले पौत्र के बारे में सोचना चाहिए। हमें गोद भराई नहीं, ग्रह शांति की विधि करनी चाहिए। ग्रह शांति, विशेष रूप से राहु की। उसकी दृष्टि हानिकारक है। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना होगा? हमें कुछ नहीं करना होगा महाराज, ये शोधरा को करना होगा। उसे काले वस्त्र त्यागने होंगे, उसे काला अन्न त्यागना होगा। जब तक वो प्रसूता नहीं होती तब तक उसे रोज सूर्योदय से पहले स्नान कर खुले पांव तालाब के किनारे जाकर राहु जाप करना होगा। रहावे नमः, ओम रहावे नमः, ओम रहावे नमः, ओम रहावे नमः, ओम रहावे नमः। मछलियों को आटे से बना चारा खिलाना हो तब जाकर राहु दोष शांत होगा। चाहे आप कुछ भी कह लो अमिता दीदी, पर मुझे यशोधरा को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। बेचारी आज कितनी पीड़ा में थी और महादेवी प्रजापति इतनी निष्ठुर होगी, इस बात की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। ये आप क्या कह रही हो मंगला दीदी? और नहीं तो क्या, कोई अपने गर्भवती बहू को
पूजा पाठ के नाम पर इस तरह पीड़ा देता है क्या? एक तो चलकर तालाब तक जाना, पाठ करो वो भी अकेले। बेचारी कुछ नहीं बोलती, किंतु सोचने पर ही कितनी पीड़ा होती है। उस पर क्या बीतती होगी? ऐसी बातें करके आप अमिता दीदी की चिंता और बढ़ा रही हैं मंगला दीदी। हाँ हाँ, इस पूरे महल में एक मैं ही तो हूँ चिंता बढ़ाने वाली, क्योंकि सबकी चिंता जो है मुझे। अरे आप सब यही हो? आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे महादेव। यशोधरा आ रही। प्रजा तुम्हें नहीं लगता कि आजकल गोपा कुछ अधिक ही श्रम कर रही है? अमिता दीदी आपको ऐसा क्यों लगता है? आयुर्वेद कहता है गर्भवती जितना श्रम करे उतना लाभदायक है। आज प्रातः उससे उधर पीड़ा हो रही थी और पैर में भी, बताया उसने, किंतु अब वो स्वस्थ है। महादेवी ये पूजा कई दिनों से चल रही है, यदि यशोधरा के स्थान पर हम में से कोई कर ले तो? नहीं विभावरी, जीवित रहने के लिए सांसें स्वयं लेनी होती हैं। अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए उसे ये व्रत स्वयं पूर्ण करना होगा। प्रजा लगता है तुम गोपा की माँ बनते बनते उसकी सास बन गई। अमिता दीदी ये आप क्या के? माँ आप क्या कह रही हो? ये शब्द आपके तो बिल्कुल नहीं हो सकते। मेरे लिए इस मां के कहे शब्द किसी भी श्लोक से कम नहीं। मैं आंखें बंद कर वही करूंगी जो मुझे मेरी मां कहेंगी। सास बहू में प्रेम हो तो ऐसा। महादेवी मैं आई। सिद्धार्थ यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? प्रणाम का क्यों? इतने दिनों के बाद आपके जीवा से अपना नाम सुनकर अच्छा लगा। ज्येष्ठ भी मुझसे बात नहीं करते, मुझे ही दोषी समझते। क्षणिक आवेश मन भेद बढ़ा देता है पुत्र, पर जिस घर में यशो जैसी बहू हो वहां मनभेद कैसे रह सकता है? पर तुम उदास क्यों हो? मेरे प्रश्न मुझे खुश नहीं रहने देते काकी मां। प्रश्न का उभरना तो खुशी की बात है, परंतु उत्तर का ना मिलना पीड़ा का कारण। उत्तर के लिए तुम्हें ज्ञानी पंडितों से और सन्यासियों से विचार विमर्श करना चाहिए पुत्र। पर ऐसे मनुष्य है कहां जो मेरे ज्ञान की पिपासा को? एक नहीं अनेक है। तुम मिलना चाहोगे? अवश्य काकी मां। पर पुत्र महाराज क्रोधित होंगे। मैं उन्हें मना लूंगा। सीमा पार जाना होगा। मैं चलूंगा काकी मां। कब चलना चाहोगे? कल प्रातः काल। सिद्धार्थ ये बात हम दोनों के बीच ही सीमित रहे। जी काकी मां।
ये आप मुझे कहाँ ले आई काकी माँ? यही ठहरे हुए हैं जिनसे मिलवाने में तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पर ये तो शूद्रों की बस्ती है। हैं तो वो यही रहते हैं, बस यही खोट है। ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हाँ, भीतर जाने से पहले तुम्हें भी इन आभूषणों को उतारना होगा युवराज। ये लो। ये किस लिए काकी माँ? ये उनकी रीत है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। आओ, भोजन का समय हो गया है, भोजन करोगे? जी नहीं। और तुम? मैं पेट भरने नहीं, मन भरने आया हूं। मन कैसे भरता है पुत्र? प्रश्नों के उत्तर से। हाँ हाँ, पूछो। आप ब्राह्मण होकर भी शूद्र के घर ठहरे। सन्यासी वर्ण से परे होता है, मैं ब्राह्मण नहीं। और पुत्र, जो अन्नदाता है वो अछूत कैसे हो सकते हैं? हमें तो जो भी भिक्षा दे वही भगवान है, जो दो शब्द अच्छे बोले वही महान है। सत्य कहा आपने, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। एक प्रश्न और गुरुवर, यहां आने पर आपने हमारे अलंकार क्यों उतरवा लिए? क्योंकि जहां सादगी है ज्ञान वहीं जन्म लेता है, अन्यथा कीमती वस्त्र और आभूषण अभिमान के चिन्ह है। और ये भगवे वस्त्र क्यों? ये क्रांति के प्रतीक हैं। और ज्ञान का अर्थ है समझ में क्रांति। जब सब एक रंग होकर सोचते हैं तो सबकी ऊर्जा एक दिशा में गति करती है, और समाज में एक समझ की लहर फैलती है। आओ आओ। आ आ आ आ आ। मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि केवल मनुष्य ही नहीं परंतु प्राणी भी उससे ना डरे। आ आ आ। आ आ आ आ आ आ आ आ। इस युवक की आत्मा पवित्र है। जन्म से भले ही ये युवराज है परंतु मन और हृदय से ये सन्यासी ही है। आपने तो मेरे मन की बात कह दी, वर्षों बाद मैंने ऐसी बात सुनी। अवसर मिले तो चलना हमारे गुरु के पास, तुम और वो बहुत खुश होंगे। अवश्य, आप कहें तो अभी चल सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। युवराज, महल लौटने का समय हो गया है, देवी यशोधरा आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब आप प्रस्थान करें युवराज, कोई भी आपकी प्रतीक्षा करे ये उचित नहीं। अपना उत्तरदायित्व पूरा करो, फिर चलना हमारे गुरु के पास। गुरुवर्य, क्या नाम है आपके गुरुवर्य का? ऋषि भार्गव। अच्छा, फिर मिलेंगे।
प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण। अरे ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? आपने इनसे मिलवाकर बड़ा उपकार किया है काकी माँ। अरे इसमें उपकार की क्या बात है पुत्र, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। क्योंकि सन्यासी तुम बनोगे और खुश मैं होगी। यशो। अरे माँ आप यहाँ क्यों आई? मुझे बुलवा लिया होता। अरे मेरे पैर छूने के लिए झुकने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा मेरा पौत्र क्रोधित हो जाएगा। आओ। बैठो। यशो तुम्हें बहू के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। पूरे महल ने मुझसे प्रश्न किया कि गोद भराई की रीति क्यों नहीं की, किंतु तुमने एक बार भी नहीं पूछा, ना किसी बात का विरोध किया। क्यों माँ, यदि बात बताने की होती तो आप हमसे छुपाती ही क्यों? मैं जानती हूं कि आपकी हर सांस हमारी मंगल कामना है, फिर प्रश्न कर आपको धर्म संकट में क्यों डालूं? तुम्हें पीड़ा हो रही होगी ना, कभी कभी क्रोध भी आता होगा। नहीं मां, आपसे ही तो सीखा है अपनों के लिए कुछ करने में पीड़ा कैसी। और आप चिंतित ना हो, मैं और आपका पौत्र दोनों स्वस्थ हैं। क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं। तो तुम यूं अचानक रुक क्यों गई? और तुम्हारे माथे पे पसीने की बूंदे? तुम कहीं नहीं जाओगी। लौशिका! आप मुझे जाने से नहीं रोकोगे आर्य? इतने दिन नहीं रोका, पर अब रोकूंगा। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि माँ का आदेश है। पर इस पूजा व्रत का कोई तो कारण होगा। मैंने पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि माँ जो भी करती है अपनी संतान की भलाई के लिए करती है आर्य। तुमने उनसे प्रश्न नहीं पूछा, पर मैं आज उत्तर पाकर रहूंगा। मेरे आने तक तुम यही रहोगी। आर्य क्षमा करना आर्य, मैं माँ के आदेश को नहीं ठुकरा सकती। क्यों करवा रही हैं आप गोपा से ये सब व्रत? क्या हुआ गोपा को? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, यदि वो रोज तालाब पर यूं ही जाती रही तो अवश्य पछतावा होगा। सिद्धार्थ अशुभ नहीं बोलती। चुप करे की बात भी तो नहीं कर रही है। क्या करवा रही हैं गोपा से ये सब? उत्तर दो। ओम रहवे नमः। ओम रहवे नमः। ओम रहवे नमः।
ओम राहवे नमः, 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 ओम राहवे नमः। माँ, मेरे कई प्रश्न निरुत्तर, पर मैं जानता हूं इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास। बताओ बताओ मां, क्यों करवाती हैं आप ये सब? तुम्हारी संतान के लिए। उसे राहु दोष है। ये किसने कहा? कुलगुरु वाचस्पति। क्या कुलगुरु वाचस्पति ने कभी राहु को देखा है? क्या कभी वो शनि और मंगल से मिले? तो फिर क्यों हम सब आंख बंद कर शास्त्र को प्रमाणित मान लेते हैं? वेद और शास्त्र इसका प्रमाण है। जब समग्र सृष्टि हर पल बदलती तो ये शास्त्र क्यों नहीं बदलते? वो सनातन है, ईश्वर की वाणी। किसने सुनी? और यदि ईश्वर है तो क्या उसे गोपा की पीड़ा दिखाई नहीं देती? पानी, गरम पानी। मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी जननदात्री। मेरी बड़ी बहन महामाया थी। तुम्हारे जन्म के 7 दिन बाद चल बसे। कहीं मेरी माँ की तरह यशोधरा भी? यशोधरा, यशो आंखों खोलो। यशोधरा, यशो आंखों खोलो। यशो, 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 मुझे जन्म देते समय पीड़ा तो आपने भी सही होगी। क्या मनुष्य का जन्म इतना पीड़ादायक होता है? देवी बधाई हो, पुत्र जन्मा है। यशु देखो कितना सुंदर। महाराज, पुत्र जन्मा है, पुत्र।
और ये हमारी ओर से। जाओ ये समाचार सिद्धार्थ को दे दो। जी महाराज। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो देव। बधाई हो दादी माँ। बधाई हो प्रजापति। महाराज अब अपनी मूछ दाढ़ी संभाल के रखिएगा, खींचने वाला आ गया है। सिद्धार्थ कहाँ? युवराज, 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 राजकुमारी यशोधरा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। गोपा कैसी? वो ठीक है, खुशी आपको याद कर रही है। और क्या लौशिका? आप चलिए तो सही। बधाई हो मां। हमें ये शुभ समाचार कुलगुरु को भी दे देना चाहिए। हाँ, मैं स्वयं जाकर उन्हें ये शुभ समाचार दूंगी और खूब सारी बधाइयां लूंगी। बधाई हो, आप सबको बधाई हो। आपको भी बधाई हो, बधाई हो। अनुज, महाउत्सव का प्रबंध करो, गगन ढोल बजवाओ, मेरे पौत्र जन्म की घोषणा सारे कपिल वस्तु में कर दो। जी भाई महाराज। बधाई हो कुलगुरु, पुत्र हुआ है। नहीं माँ देवी, मेरा भय सत्य प्रमाणित हुआ। प्रत्यक्ष कहने को तो सूर्योदय हुआ है, परंतु परोक्ष किरण सूर्य राहु से ग्रसित है, काल सर्प योग है। राहु की विनाशक दृष्टि, पिता और पुत्र के बीच में शनि की उपस्थिति, समय ठीक नहीं है मादी। जब तक हम राहु को शांत करने की पूजा विधि संपन्न नहीं करते, हम युवराज सिद्धार्थ को उसकी संतान का मुख देखने से रोकना होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, तो युवराज सिद्धार्थ अपनी संतान से दूर हो जाएंगे, या उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं कुलगुरु, मां देवी, ग्रहों की स्थिति हम बदल नहीं सकते, किंतु उनका प्रभाव कम करने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूं। कल तक जो पूजा यशोधरा अपनी संतान के लिए कर रही थी, वही पूजा आपको करनी होगी। मुझे आज्ञा दीजिए मां जी, मुझे यह पूजा इसी क्षण आरंभ करनी होगी। इससे पिता और पुत्र वही सुरक्षित रहे। जन का समाचार सुनकर प्रजाजन के खुशी की कोई सीमा नहीं रही है भाई महाराज। लो युवराज भी आ गए। आइए
आइए पिताश्री आइए। बधाई हो युवराज, बधाई हो। अरे युवराज, उतावले ना बनो, थोड़ा धीर करो। मैं कब देखूंगा उसे मंगला काकी? पूरे 40 दिनों के पश्चात। 40 दिन पश्चात? मैं तो 4 क्षण भी नहीं रुक सकता। परंतु यही प्रथा है। मैं ऐसी कोई प्रथा नहीं मानता। शास्त्र कहते हैं। मैंने नहीं सुना। पढ़ा तो होगा। मान लो भूल गया। अरे ये भी कोई बात हुई? माँ, गोपा, माँ। महादेवी शुभ समाचार कुलगुरु को सुनाने गई हैं। जब तक हम राहु को शांत करने की पूजा विधि संपन्न नहीं करते, हम युवराज सिद्धार्थ को उसकी संतान का मुख देखने से रोकना होगा। मैंने कहा ना, मुझे अभी गोपा से मिलना, और मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे, अरे। जाने दो मंगला, मैं उसकी मनोदशा पूर्णतः अनुभव कर सकता हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है महाराज, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। संतान के भाग्य में पिता का सुख नहीं, अर्थात या तो युवराज सिद्धार्थ अपनी संतान से दूर हो जाएंगे, युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी। महादेवी, महादेवी आप कारण चिंता कर रही। स्मरण कीजिए, मैंने भी सिद्धार्थ की तरह हट किया था। मैं तो कपिल वस्तु से लुम्बनी वन तक गया। मैंने भी हट करके शास्त्रों का विरोध करके माया का चेहरा देखा था। फिर क्या हुआ था हमारा? माया दीदी हमारे बीच नहीं रहे। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए सौंठ का पानी बनवाती हूँ। जितनी पीड़ा सही गोपा, उतनी पीड़ा तो मैं देख भी नहीं सकता। इसीलिए तो स्त्री को शक्ति का रूप कहा गया है। पीड़ा ही नवजीवन को जन्म देती है। देखो, क्या देख रहे हो? इसकी आंखें बांध लेती हैं। इसकी उंगलियां हमारे हाथों को नहीं, जैसे मन को छू लेती है। और इसका चेहरा हर दुख को, हर पीड़ा को जैसे छीन लेता है। चलो अच्छा है,
कोई तो ऐसा आया जिसने आपसे आपके प्रश्नों को छीन लिया। कुपा, हम इतने निर्दोष क्यों नहीं लगते? फिर प्रश्न? पता नहीं, पर आज मन आनंद से भर गया है। कहता है बस इसे निहारते ही रहो। हृदय कहता है कि ये राहुल है गोपा। राहुल, बड़ा अच्छा नाम है यार। राहुल का अर्थ ही होता है पीड़ा हर लेने वाला, दुखों पर विजय पाने वाला, सभी बंधनों से परे। राहुल सत्य कथा।